हेलो गाइस, सो टुडे वी टॉक अबाउट माय जर्नी फोटोग्राफर टू यूट्यूबर। आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो मेरी ये फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 से, वही साल 2020 से जब मैंने ये स्टार्ट किया था। तो मेरा पहला कैमरा जो मैंने लिया था सोनी अल्फा 3500। अब उसके साथ मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट मेरा लेने का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं सीधा फोटोग्राफी सीखना चाहता हूँ या फोटोज़ क्लिक करना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन था वही बेवकूफ़ वाला जो हर दूसरा टीनेजर एज में हम सब सोचते हैं कि फोटोशूट करेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे फोटो, स्कूल और बस फेमस हो जाएंगे। हाँ, तो फेमस तो कुछ खास मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट हाँ मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराना उस टाइम अच्छा लगता था, बट अब नहीं लगता। तो उसी रीज़न से मैंने कैमरा लिया और लग गए, बट कैमरा लेने के बाद ऐसा सुबह नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, धीरे 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 करके इस लाइन में चले गए। तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। अब इंट्रोवर्ट का मतलब जिसे नहीं पता होगा वो सर्च कर सकता है। कॉलेज लाइफ में मैंने ज़्यादा फोटो शूट नहीं करे, पर लास्ट ग्रेजुएशन के लास्ट आते ही मैंने अच्छे खासे फोटो शूट करे हैं। मैंने कुछ फंक्शन अटेंड करे हैं और इवेंट्स करे हैं, बट ओवरऑल नतीजा यहाँ निकला, बार बार पार्टी से डील करना, बार बार उनसे लोगों से बात करना, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उस टाइप का इंसान हूँ, एक कमरे में पूरा दिन ईजिली काट सकता है अपने फ़ोन या अपने सिस्टम के साथ। मुझे ज़्यादा पब्लिक पसंद नहीं है, पब्लिक प्लेस में पसंद भी नहीं करता इतने, तो दैट्स वाई रीज़न फोटोग्राफी मुझसे नहीं हो पाई। तो कुछ लोग कहेंगे इसे फोटोग्राफी आती नहीं होगी, अब ये तो बहाने वाली बात है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो, बुरा लगता है दिल से। तो मैं आपको उसका सबूत दे सकता हूँ, मेरी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। दैट्स ये मेरे सर्टिफिकेट हैं जो मैं फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स में जीता हूँ, तो मैं अभी स्क्रीन पर लगा दूँगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मेरी और कुछ फोटोज़ हैं जो कॉम्पिटिशन मेरे दोस्तों के नाम पे गई थी और वो भी प्राइज़ जीती हैं। तो ऐसा मत सोचो कि मैं फोटोग्राफी नहीं कर सकता, फोटोग्राफी और आपको देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं मेरी फोटोग्राफी स्किल्स को। तो अब ये सारी बात साइड करते हैं। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई, यार फोटोशूट कराना है। फोटोशूट भाई, फोटोशूट तो मैं पेड ही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर चल मैं बताता हूँ तुझे कब करना है फिर। हाँ ठीक है ठीक है, जब तुम्हारा मन हो बता देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। प्राइस ठीक है। और वैसे पेड कब से स्टार्ट कर दिया भाई तूने? तो कुछ रियलिटी ये भी है, थोड़ा इशू ये भी है कि एक आप वेल एजुकेटेड हो, और वेल एजुकेटेड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप में वो एक एटीट्यूड आता है कि आप किसी पर्सन से कैसे बात कर रहे हो या कोई आपसे कैसे बात कर सकता है। बिकॉज एज ए फोटोग्राफर समटाइम आपको लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आप कुछ नहीं हो उनके सामने, बट सामने वाले को नहीं पता आप क्या हो क्या नहीं हो, तो ये एक छोटा सा मिसबिहेवियर कह सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कई जगहों पे काम नहीं करना ही पसंद करा। अब वेडिंग्स का तो आपको पता ही है, और थोड़ा थोड़ा मेरी आदतें भी इंट्रोवर्ट वाली हैं, तो मुझे लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। सो इसी रीज़न से मैं फोटोग्राफी को धीरे धीरे छोड़ता रहा। तो सारी वीडियो को देखकर एक कंक्लूजन निकलता है कि मैंने इसको फोटोग्राफी से रिलेटेड या कोर्स क्यों नहीं करा, मैं इसे अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता था। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है मनी। अब मिडिल क्लास फैमिली इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती अपने किसी भी बच्चे पर इतना, क्योंकि बिकॉज आपकी फैमिली में और भी मेंबर होते हैं। तो और मैं भी खुद नहीं कह सकता अपनी फैमिली से कि डायरेक्ट कि मुझ पर इतना पैसा लगा दो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका मेरा फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप लेकर मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना फर्स्ट कैमरा अपने कॉलेज की स्कॉलरशिप से लिया था। ये नहीं बोलना चाहिए था। तो ये थी मेरी फोटोग्राफर से यूट्यूबर तक की जर्नी, और प्लीज़ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे और ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट प्रोवाइड करूँ और कुछ नॉलेजेबल हो, ताकि आप सीख सकें और ख़ुद भी एक अच्छे क्रिएटर बन सकें या अपनी लाइफ में जो भी फैसले लें अच्छे से लें।